हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल जो आया है उसका। तो उसमें सबसे लास्ट टॉपिक है कल्चर, और कल्चर में पहला टॉपिक है एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो आई होप आपको पता होगा बहुत सारी मोनेस्ट्री हर जगह है, ठीक है, बुद्धिज़्म की। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि 900 ईयर्स ओल्ड जो है एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अभी अनअर्थड की है, मतलब पाई गई है कहाँ पे? सीतागढ़ी हिल्स, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ पे, ठीक है। किसने निकाला ये अनअर्थ, किसने किया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनअर्थ किया है इसको, ठीक है। सीतागढ़ी हिल्स में पाया गया है, जहाँ कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं इसकी? तो ये 10th सेंचुरी स्ट्रक्चर है जो कि बुद्धा विहार को रिजेंबल करता है, स्मॉल बुद्धा विहार को। विहार एक बुद्धिस्ट श्राइन कम मॉनेस्ट्री होती है, ठीक है। डिस्कवरी जो हुई है साइट की, वहाँ पे 4 स्टैचू ऑफ तारा मिले हैं इन वरद मुद्रा। वरद मुद्रा में बहुत सारे मुद्रास जो है आपको अभी बताती हूँ कि क्या होते हैं। तो 4 स्टैचूज ऑफ तारा जो है वरद मुद्रा में मिली हैं, और 6 स्टैचूज ऑफ बुद्धा जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में मिले हैं, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा भी मैं आपको बताती हूँ। और डिस्कवरी ऑफ डेटी तारा ये बताते हैं कि वो जो है वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। आई होप आपको पता होगा वज्रयान बुद्धिज्म को तांत्रिक बुद्धिज्म बोलते हैं। तो आपको पता होगा हीनयान और महायान में डिवाइड हुए थे बुद्धिज्म, और महायान में फिर डिवाइडेशन हुआ था, तो उसमें जो है वज्रयान बुद्धिज्म आए थे, ठीक है। तो नागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट जो है प्रीवियस वर्जन है देवनागरी स्क्रिप्ट का। तो नागरी स्क्रिप्ट जो है तारा के स्टैचू पे फाउंड हुए हैं। स्कल्पचर्स जो है सिमिलर हैं, शैवित दैती महेश्वरी के जैसे सिमिलर हैं, जो कि कल्चरल एसिमिलेशन बताते हैं, इंडिकेट करते हैं इस एरिया का, ठीक है। मोनेस्ट्री जो है ओल्ड रूट में पड़ती है वाराणसी के, फ्रॉम सारनाथ। तो जहाँ पे सारनाथ में पहला सरमन दिया था बुद्धिज्म ने। कुछ फाइंडिंग जो है एग्जीक्यूशन साइट ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि पाला पीरियड से भी रिलेटेड था, बट ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सीतागढ़ी में जो भी मोनेस्ट्री मिली है, ठीक है, बुद्धिज़्म की। नाउ कम्स टू टाइमलाइंस ऑफ मोनेस्ट्रीज। तो टाइमलाइन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उससे पहले लेट्स कम टू वेरियस मुद्रास रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो कुछ वेरियस मुद्रास अगर रिलेटेड टू बुद्धिज़्म की बात की जाए, तो सबसे पहले आता है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श, ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि बुद्धा जी एक हाथ जो है अपने पैर के ऊपर रखे हुए हैं, और एक हाथ से उंगली से अपनी भूमि को टच कर रहे हैं। तो भूमि स्पर्श जो है बुद्धा जो है क्या करेंगे, सिटिंग विथ अ राइट हैंड जो है टचिंग द अर्थ, राइट हैंड जो है उनका वो अर्थ को टच कर रहा है, और पाम जो है फेस इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड की साइड है पाम, और लेफ्ट हैंड जो है लैप पे है, ठीक है। ये क्या सिंबलाइज करते हैं? मरा विजय सिंबलाइज करते हैं, याद रखिए। भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या सिंबलाइज होता है? मरा विजय। अर्थ जो है विटनेस किसका है? इसमें ये बताते हैं कि अर्थ जो है विटनेस है ट्रूथ ऑफ इट्स वर्ड्स, ठीक है, जो भी ट्रूथ होता है अर्थ जो है उसका विटनेस है। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, सिर्फ बुद्धा से रिलेटेड है, तो ओनली रिलेटेड टू बुद्धा। फिर आते हैं वरद मुद्रा, जो कि अभी मैंने बोला तारा जो है वरद मुद्रा में है। तो इनका क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट आर्म होता है, लेफ्ट और राइट आर्म होता है एक्सटेंडेड द वे डाउन, कि उनका पाम जो होता है ओपन हैंड फेसिंग होता है आउटवर्ड, ठीक है, पाम जो होता है ओपन हैंड फेसिंग होता है आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड दिखाता है। ये क्या इंडिकेट करते हैं? चैरिटी, कंपैशन और ग्रांटिंग विशेस, ठीक है, विशेस वगैरह ग्रांट करते हैं इस तरीके से। मुद्रा जो है सिग्निफाइज करता है 5 परफेक्शन। पहला है जेनरोसिटी, दूसरा है मोरालिटी, तीसरा है पेशेंस, एफर्ट्स एंड मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो दीज आर द 5 फिंगर्स जो है यही डिनोट करती हैं। ये जनरली गॉड्स भी यूज़ करते हैं, गॉडेसेस भी यूज करते हैं, किंग भी यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड वरद मुद्रा। ओके, नाउ कम टू अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा में जैसे हम नमस्ते करते हैं अपने अंकल, अपने बड़े लोगों से, उनको हम अंजलि मुद्रा बोलते हैं। बोथ हैंड्स जो हैं वो चेस्ट के पास लाते हैं, और पाम और फिंगर्स को ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ वर्टिकली, ठीक है। ये सिम्बलाइज क्या करता है? ऑब्वियसली रिस्पेक्ट सिम्बलाइज करता है, ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन। और ये जो है बोधिसत्व जो थे वो यूज़ करते थे टू अटेन देयर नॉलेज, ठीक है। फिर आते हैं विटर्क मुद्रा। विटर्क मुद्रा की अगर बात करें तो टिप्स जो होती हैं थंब की और इंडेक्स फिंगर जो होती है उन दोनों को ज्वाइन करते हैं और एक सर्कल बनता है, तो उसको हम बोलते हैं विटर्क मुद्रा। इसमें क्या होता है, वो सर्कल जो है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी मेंटेन करता है, और कोई भी बिगनिंग नहीं है, और क्या ही कोई भी एंड नहीं है, ओनली परफेक्शन। ये क्या इंडिकेट करता है? टीचिंग इंडिकेट करता है, और डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन यूज़ करते हैं? एस्थेटिक मंक्स
मॉडल्स इन डिस्क्लोजर जो है ये यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा जैसे हम आशीर्वाद देते हैं उस टाइप का होता है। हमारा जो पाम रहता है, राइट हैंड फेसेस जो है वो आउटवर्ड रहता है और फिंगर्स जो है हमारी अपराइट रहती हैं और जॉइंट रहती हैं। ठीक है, ये फियरलेसनेस इंडिकेट करता है। ये गेस्चर जो है बुद्धा ने दिया था इमीडिएटली जब उन्होंने एनलाइटमेंट को अटेन किया था। ठीक है, तो गॉड्स, गॉडेसेस एंड बुद्धा इन दिस मुद्रा। ठीक है, ये जो है, ये मुद्रा जो है अभय मुद्रा, गॉड, गॉडेसेस एंड बुद्धा जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर शेपाना मुद्रा, ये क्या है, दो हैंड्स को ज्वाइन करिए और गेस्चर ऑफ पोरिंग आउट, और जो फिंगर्स हैं हमारी नीचे रहेंगी तो ये नेगेटिव एनर्जी को ड्रेन करने के लिए है और पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा की अगर बात करें तो दो हैंड्स को इस तरह ज्वाइन करिए कि सारी जो फिंगर्स हैं वो ज्वाइन हों और हमारी जो इंडेक्स फिंगर, अदर फिंगर्स हैं, इंडेक्स फिंगर्स हैं वो इंटरवीन रहे, इंडेक्स फिंगर्स जो हैं हमारी टुगेदर एक साथ रहे ऊपर और बाकी जो फिंगर्स हैं वो इंटरवीन रहे। ये सुप्रीम एनलाइटमेंट का, इसका मतलब है कि सुप्रीम एनलाइटमेंट मिल चुकी है। मुद्रा जो है इज नोन फॉर चार्जिंग वन एनर्जी एंड सिंबलाइज परफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ध्यान मुद्रा, ऑब्वियसली मेडिटेशन के लिए दोनों हाथ को साथ ज्वाइन करके उसको समाधि और योगा भी बोलते हैं। मुद्रा जो है बुद्धा यूज़ करते थे ड्यूरिंग द फाइनल मेडिटेशन जब उन्होंने किया था अंडर द बॉडी थ्री। मुद्रा जो ये कौन कौन यूज़ करते हैं, बुद्धा, मॉन्क्स एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, फिर कर्ण मुद्रा आती है जहाँ पे आपको हैंड जो है उसको स्ट्रेच आउट किया जाता है इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जैसे भी करना हो आपको, विद द पाम फॉरवर्ड। थंब जो है वो प्रेस करता है जो फोल्डेड टू मिडिल फिंगर्स हैं, बट द इंडेक्स और लिटिल फिंगर्स जो होते हैं वो अपवर्ड की साइड रेज रहते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी को कम करता है और एविल्स जो है उनको वार्डिंग करता है। ठीक है, फिर धर्मचक्र मुद्रा, ऑब्वियसली धर्मचक्र प्रवर्तन से रिलेटेड है, व्हील ऑफ टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द टर्निंग द व्हील ऑफ द धर्म और लॉ। ठीक है, तो मुद्रा जो है इसमें क्या होता है, बोथ हैंड्स जो है, राइट हैंड्स जो है वो चेस्ट के पास रहता है, चेस्ट लेवल, विद द पाम फेसिंग आउटवर्ड, और ऐसे ही होता है तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप ऐसा। ठीक है, और इसका गेस्चर जो है ये सिर्फ बुद्धा यूज़ करते थे जब उन्होंने फर्स्ट सरमा दिया था डियर पार्क ऑफ सारनाथ, डियर पार्क ऑफ सारनाथ में वहाँ पे। फिर वज्र मुद्रा, वज्र मुद्रा जो है हमारा क्या सिग्निफाइज करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड सुप्रीम विजडम। ठीक है, वज्र मुद्रा हमारा विजडम और ये सब सिंबलाइज करता है। तो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुद्राज जो रिलेटेड टू बुद्धा। ठीक है, और ये पता चल गया। नाउ कम टू टाइमलाइन फॉर मोनेस्ट्रीज। तो अगर टाइमलाइन मोनेस्ट्रीज की बात की जाए तो सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, नालंदा मोनेस्ट्री बनी थी, वो किसने बनाया था, गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनी थी, कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, फिर उसके बाद बल्लवी मोनेस्ट्री आई थी, गुजरात में है, मैत्रिक डायनेस्टी ने बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद दांतपुरी मॉनेस्ट्री, वो भी बिहार में है, पाला डायनेस्टी ने बनाया था। फिर विक्रमशिला डायनेस्टी मॉनेस्ट्री जो है वो भी पाला डायनेस्टी ने बनाया था बिहार में। फिर लाम यूरू मोनेस्ट्री जो है लद्दाख में है, महासिद्धचार्य नरोपा ने बनाया था। फिर जगत दल्ला मोनेस्ट्री वो भी बांग्लादेश में है, पाला डायनेस्टी ने बनाया था। थिक्से मोनेस्ट्री लद्दाख में है। ठीक है, फिर हेमिस मोनेस्ट्री भी लद्दाख है और शे मोनेस्ट्री भी लद्दाख में है। तो दीज आर द टाइम लाइन्स कैसे कैसे मोनेस्ट्री बनी। तो सबसे पहले नालंदा बनी, उसके बाद हमारी कौन सी बनी, वल्लवी, उसके बाद उदांतपुरी, उसके बाद विक्रमशिला, फिर उसके बाद लैमपुरू, जगदल्ला, टिक्से, हेमिस एंड शे मोनेस्ट्री। ठीक है, तो दीज आर द टाइम लाइन फॉर मोनेस्ट्रीज। नाउ कम टू अबाउट पाला डायनेस्टी एंड बुद्धिज्म। पाला डायनेस्टी जो था वो किस एरिया में थे, बिहार और बंगाल रीजन में थे, जो 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया था। ये फाउंड किसने किया था, गोपाल जो थे वो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के, और इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे पाला डायनेस्टी के जैसे कि धर्मपाला हो गए, देवपाला, महेंद्रपाला एंड महीपाला वन। पाला रूलर्स जो थे वो सपोर्टर्स थे बुद्धिज्म के। अंडर द पालास अगर बात की जाए तो वज्रयान बुद्धिज्म जो था वो बहुत ज़्यादा एमर्ज हुआ था उस टाइम पे। उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज और टेंपल्स बनाए थे बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। धर्मपाला जो थे, जो सेकंड रूलर थे हमारे, धर्मपाला सेकंड पाला रूलर थे, उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की थी और नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने रिवाइव किया था। याद रखिएगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी, धर्मपाला ने फाउंड की थी और रिवाइव किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। देवपाला ने 5 विलेज जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को दिए थे उनके मेंटेनेंस के लिए। अदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स जो हैं वहाँ के पाला डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो उदांतपुरा है, विक्रमशिला है, सोमापुरा, महाविहार। ठीक है, पालास जो थे वो मिशनरीज भी सेंड करते थे और बुद्धिज़्म इस्टेब्लिश किया था उन्होंने तिब्बत में। महाबोधि टेम्पल जो है बोधगया में, वहाँ पे मैनी स्कल्पचर्स जो हैं वो पाला डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। अ मिनिएचर टेराकोटा इमेज भी
इमेज ऑफ अ फास्टिंग बुद्धा, ठीक है, फास्टिंग बुद्धा की पालर डायनेस्टी में पाई गई। तो यहाँ पे देखा जाता है कि लास्ट ग्रेस फेस्ड ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट जो था वो पाला डायनेस्टी में था। जैसे ही पाला डायनेस्टी का कोलैप्स हुआ, ख़त्म हुआ पाला डायनेस्टी, तो इंडियन बुद्धिज़्म जो है धीरे धीरे सेटबैक लेने लगा, मतलब पीछे होने लगे। बुद्धिज़्म प्रेजेंट इंडिया में धीरे धीरे नेग्लिजिबल होने लगा। तो दिस इज़ कॉल्ड पाला डायनेस्टी और उसका क्या मेन एम है। नाउ लेट्स कम टू वज्रयान बुद्धिज़्म और तांत्रिक बुद्धिज़्म जिसे बोलते हैं। तो वज्रयान स्कूल जो था वो डेवलप हुआ था रॉयल कोर्ट्स से, जो कि बुद्धिज़्म और शैविज़्म दोनों ऑफर करते थे, और इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म। मेन डाइटी जो इनकी थी वज्रयान बुद्धिज्म की अगर बात की जाए तो तारा थी, और ये बेस्ड किस पे था, महायान बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे बेस्ड था, ठीक है। इसमें जो है दोनों टेनेंट्स के वो थे, महायान के भी और थेरावादा बुद्धिज्म के भी, दोनों से ये मिलके बना हुआ था। इन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर रिचुअल्स और बुद्धिस्ट रिचुअल्स फिलॉसफीज को एक साथ मिलाया था, उनको कंबाइन करके ये स्कूल बना था, ये बुद्धिज्म बना था, और ये बिलीव करते थे तंत्र मंत्रास और यंत्र पे बिलीव करते थे टू अचीव बुद्धाहुड, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टीज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वज्रयान बुद्धिज्म एंड तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अभी न्यू साइट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कैसे मिली है और कौन कौन सी मोनेस्ट्री है, ठीक है। नाउ कम टू अहोम किंगडम। अहोम किंगडम आपको पता होगा, अहोम जो है ब्रिटिश जब एरा चल रहा था तो अहोम रिवॉल्ट आपने पढ़ा होगा, तो अहोम किंगडम वही है जो प्रेजेंट असम रीजन है हमारा, उसको हम अहोम किंगडम बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी विजिट किया है शिव सागर जेरेंगा पोथर असम में, उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए, ठीक है। तो शिव सागर को फॉर्मली क्या बोला जाता था, रंगपुर बोला जाता था, जो सी जहाँ पर पावरफुल अहोम डायनेस्टी वहाँ पर सिचुएटेड थी, जो अभी हु रूल्ड आसाम फॉर सिक्स सेंचुरीज को उन्होंने रूल किया। जेरेंगा पोथर इन शिव सागर टाउन जो है इज पॉपुलरली कनेक्टेड टू द वेल्लोर ऑफ 17th century, ठीक है। होम प्रिंसेस जोयमती से वो क्या है, लिंकअप है, ठीक है। अबाउट अहोम किंगडम, अगर अहोम की बात करते हैं तो अहोम जो था वो जनरली अहोम्स जो थे, हमारे जो पीपल्स थे अहोम्स, वो माइग्रेट हुए थे कहाँ से, म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली में। याद रखिएगा कहाँ से माइग्रेट हुए थे, म्यांमार से माइग्रेट हुए थे अहोम रीजन में, मतलब ब्रह्मपुत्र वैली में। अहोम किंगडम फाउंड किसने किया था फर्स्ट टाइम, छाओ लुंग सुई का प जो थे उन्होंने फाउंड किया था अहोम किंगडम। बिफोर हिज अराइवल जो है ये लोकल किंग्स जो थे हमारे सूतियाज थे, बोहरीज थे, ये लोग जो थे वो लैंडलॉर्ड थे, वो थिकली फॉरेस्टेड एरिया उनका था, ठीक है। बट जैसे ही रूलर बने तो उन्होंने सक्सेसफुली एसिमिलेट कर लिया, मतलब सारे जो ट्राइबल एरियाज थे उनको एसिमिलेट कर लिया और एक साथ रखा, और ये वाइडली रिफर किया गया उनको टू एज आर्टिक्ट बोर असम और ग्रेटर असम बोला गया, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द 16th century अगर बात की जाए तो छूतियास एंड कोच हजो जो है वो भी पूरा किंगडम को एनेक्स कर लिया गया। अहोम डायनेस्टी जो थी गवर्न थी 6th century तक, 1228 century तक, जब तक वो ब्रिटिश ने उसको एनेक्स नहीं किया। तो ब्रिटिश ने कब एनेक्स कर लिया, 1826 में एनेक्स कर लिया, मतलब उसको अपने अंदर ले अपने अपने कब्जे में कर लिया। और किंगडम जो था वो बहुत सारे आसमीज कल्चर ट्रेडिशन और आर्ट और आर्किटेक्चर का प्रेजेंस था। फाउंडर्स ऑफ अ होम किंगडम जो थे उनका खुद का लैंग्वेज था, वो अपना रिलीजन फॉलो करते थे। बट जैसे ही रुद्र सीमा का रीन आया उस टाइम पे अहोम जो है ऑफिशियली असामीस रिलीजन और लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिए। लेटर अहोम रूलर्स जो थे हिंदुइज्म को भी अडॉप्ट किए, जैसे कि ब्राह्मणिज्म ज़्यादा बढ़ने लगा, नियो वैष्णव मूवमेंट आने लगे लेड बाई शंकरादेव, तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हिंदुइज्म को भी अडॉप्ट करना शुरू किया। बट उन्होंने अपना पूरी तरह ट्रेडिशन नहीं ख़त्म किया था, उन्होंने अपना ट्रेडिशन बचा के रखा था, प्लस साथ साथ उन्होंने बाकी जो हमारे रिलीजन्स थे उनको भी अडॉप्ट करना शुरू किया। नाउ कम टू अहोम सोसाइटी। अहोम सोसाइटी जो थे बहुत सारे क्लैंस और खेल्स में डिवाइडेड थे, ठीक है, जो कि कौन कंट्रोल करता था, सेवरल विलेजेस जो थे वहाँ के वो कंट्रोल करते थे। वहाँ पे फोर्स लेबर प्रैक्टिस की जाती थी जिसका नाम था पायक। याद रखिएगा फोर्स लेबर का नाम उन्होंने क्या दिया, पायक दिया, जो कि स्टेट के लिए वर्क करते थे। अहोम किंगडम में बहुत फ्यू कास्ट ऑफ और आर्टिशंस भी थे, ठीक है, जो कि एडजॉइनिंग किंगडम से आए थे, और वो लैंड बहुत सारे अहोम सोसाइटी के जो भी पीपल थे वो लैंड ग्रांट करते थे पोइट्स और स्कॉलर्स को, ठीक है। तो पीजन्स जो थे वो लैंड पीजन्स को लैंड दिया जाता था, कौन देता था, विलेज कम्युनिटी देती थी, और किंग को भी ये अधिकार नहीं था कि वो उनसे पीजन्स से लैंड ले ले विदाउट द कंसेंट ऑफ विलेज कम्युनिटी। तो किंग को अगर लैंड लेना है तो विलेज कम्युनिटी की उनको कंसेंट लेनी पड़ेगी।
ठीक है, ऑलमोस्ट सारे एडल्ट मेंबर्स, एडल्ट जो मेन्स थे वो आर्मी में भर्ती हुआ करते थे ड्यूरिंग द वॉर, और इंगेज थे बिल्डिंग डैम्स, डैम्स को बनाने में, इरिगेशन सिस्टम को बनाने में, अदर पब्लिक वर्क्स में. एंसेस्टर्स वर्शिप होता था वहाँ पे, स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अहोम कल्चर का, जो कि रिफ्लेक्टेड है मैडियम्स बुरेल टॉम्स जो कि अहोम ने बिल्ड किया था इन सेक्रेट सिटी ऑफ चराइदियो. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अहोम सोसाइटी. नाउ कम टू अहोम्स आर्ट एंड कल्चर. अहोम्स स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो था वो ब्लेंड था मुस्लिम और हिंदुइज्म का, मुगल आर्ट और हिंदू आर्किटेक्चर का ब्लेंड था. ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स अगर बात की जाए तो वो वुड्स और बैम्बू से चीज़ें बनाते थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, धीरे धीरे शिफ्टिंग हुई, तो लेटर उन्होंने ब्रिक्स वगैरह यूज़ करने लगे, ऑर्गेनिक सीमेंट यूज़ करने लगे. ठीक है, गार्गियन पैलेस जो था वो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट किया गया था कौन से मटीरियल से, ऑर्गेनिक मटीरियल से, ऑर्गेनिक सीमेंट से. रुद्र सीमा जो थे अहोम किंग जो है, इनवाइटेड मेनी स्किल आर्किटेक्चर्स पेंटर्स और इनको इनवाइट किया था. ठीक है, मैग्निफिसेंट टेंपल्स लाइक शिव ढोल, देवी ढोल, विष्णु ढोल ऑन द बैंक्स ऑफ शिव सागर टैंक, रंग घर, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये यूनिक थे होम रीजन के. एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज टैंक्स भी होता था वहाँ पे, आर्किटेक्चर उसके भी मिले, लार्ज टैंक्स भी मिले. अहोम एनकरेज थिएटर, उन्होंने थिएटर भी एनकरेज किया. वर्क्स फॉर वर्क ऑफ संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में वर्क किया. हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज बोला जाता था उनको, वो भी रिटर्न की गई फर्स्ट टाइम इन अहोम लैंग्वेज और देन इन आसामीज लैंग्वेज. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड अहोम कल्चर आर्ट एंड कल्चर और अहोम आर्ट एंड आर्किटेक्चर. दिस इज़ द रीजन ऑफ अहोम. ठीक है, दिस इज़ आपको जयंतिया किंगडम, कल्चुरी कचरी किंगडम यहाँ पे, तो दिस इज़ कॉल्ड अ होम किंगडम. ठीक है, यहाँ पे चरादिया, रंगपुर, जोरहट, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ब्रूही, दिहांग. ठीक है, नाउ रिलेटेड न्यूज़ में अगर बात की जाए तो पीएम ने अभी पीएम आल्सो विजिटेड माइटर टाउन ऑफ देखिया जूली इन आसाम. देखिया जूली क्या थे, वो कौन थे, एसोसिएटेड थे किससे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, जहाँ पे उन्होंने जहाँ पे आसाम फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ मतलब अपनी जान दे दी थी बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. इट इज़ ऑल्सो होम टू तेलिसवारी बरुआ, जो कि यंगेस्ट कंसिडर किया गया था ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यंगेस्ट लीडर थे इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, नाउ कम टू आर्ट्स फॉर्म इन न्यूज़. तो पत्रचित्रा पेंटिंग आपको पता होगा उड़ीसा से बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है. पत्रचित्रा पेंटिंग जो है, पिक्चर जो है वो किस में की जाती है, आपको जनरली क्लॉथ्स में की जाती है पत्रचित्रा में, तो और बहुत सारे कलर्स यूज़ किए जाते हैं और जनरली माइथोलॉजिकल थीम्स का डिपिक्शन किया जाता है. ये जो आर्ट्स है वो क्लोजली रिलेटेड है श्री जगन्नाथपुरी से, जो कि टेंपल है कहाँ पे, उड़ीसा में. फिर तोलू पवकुट्टू की अगर बात की जाए तो ये शेडो पपेट्री है, कहाँ की, केरला की शैडो पेपेट्री है. ठीक है, जो अभी इसमें क्या है, रामायण और महाभारत के सीन्स को एपिक किया जाता है. और थोल मीन्स होता है लेदर एंड पावा मीन्स होता है पपेट. ठीक है, तो स्ट्रिंग पपेट्री टाइप का होता है. सम मेजर शैडो पपेट्री इन इंडिया में, थोलू गोमियाता कर्नाटका में है, थोलू बोमलाता आंध्र प्रदेश में है, रवनचा उड़ीसा में है. ठीक है, फिर आते हैं सतराज. सतराज जो है ऑब्वियसली आसाम का है, आपको पता होना चाहिए, एक मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, नियो वैष्णविट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, जो कि श्री मंता शंकरा देव ने स्टार्ट किया था. ये क्या है, मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है और नियो वैष्णवाइट रिफॉर्म मूवमेंट है. ठीक है, टुडे देयर आर 900 सतराज हैं अक्रॉस आसाम अगर बात की जाए. और ये प्रमुलगेटिंग, क्या प्रमुलगेट करते हैं, शंकरा देव का यूनिक वर्शिप थ्रू आर्ट अप्रोच विथ म्यूजिक, जिसको बोरगीत बोला जाता है, डांस को क्षत्रिय और थिएटर को बाउना बोला जाता है. ठीक है, शंकरा देव जो है भक्ति मूवमेंट प्रमोट किया था, कॉल्ड एका शंकरा नाम धर्म. ठीक है, और उन्होंने बोला था कि सोसाइटी जो है इक्वालिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, कास्ट डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और सेक्रीफाइस को प्रिवेंट करने की बात की थी. इनकी टीचिंग्स जो है पेयर और चैंटिंग पे ज़्यादा थी इंस्टीट ऑफ आइडल वर्शिप. तो आइडल वर्शिप वो ज़्यादा नहीं करते थे, वो सबसे ज़्यादा प्रेयर्स और चैंटिंग पे बिलीव करते थे. ठीक है, तो सतराज कहाँ का है, आसाम का है. फिर बाउना, बाउना थिएटर फॉर्म है, थिएटर परफॉर्मेंस है, आसाम का ट्रेडिशनल थिएटर परफॉर्मेंस है. ये जनरली क्रिएट किसने किया था, आसामीस और ब्रजवली लैंग्वेज में क्रिएट किया था श्रीमानता शंकरा देव ने. ही क्रिएटेड द फॉर्म यूजुअली स्टेज्ड इन नमग्रह प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्षत्रास वैष्णव मोनेस्ट्रीज. ठीक है, यहाँ पे प्लेज होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं.
म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वो खोल, थाल, दोबा, नागरा यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं कंबाला, ये क्या है, बफेलो रेस है, एनुअल बफेलो रेस है जो कर्नाटका में की जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द दक्षिण कन्नड़ और उदुपी फार्मिंग कम्युनिटी करती है। फेस्टिवल जो है वो किसको डेडिकेट किया जाता है, कदरी गॉड्स मंजूनाथा जो है उनको डेडिकेट किया जाता है, जिनको लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड आर्ट्स फॉर्म्स इन न्यूज़। नाउ कम टू हिस्टोरिकल इवेंट। तो हिस्टोरिकल इवेंट में अगर कल्चर में बात की जाए तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, आई होप आपको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, किसने किया था, कहाँ पे हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आई होप अकाली मूवमेंट आपको पता होगा, अकाली मूवमेंट से नाम से जानते हैं। तो अभी रिसेंटली सेनेटरी ऑफ श्री ननकाना साहिब मैस्करे पॉपुलरली नोन एज उसका साका ननकाना साहिब बोला जाता है, अभी हुई है एजिटेशन जो है वो बिग लीप था गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट में। तो नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट, हम ये देख लेते हैं कि इवेंट्स रिलेटेड टू गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी थी, कब बनी थी, 1920 में। उसके बाद 1920 में ही शिरोमणि अकाली दल बनी, ठीक है, पहले कमेटी बनी 1920 में, नवंबर 1920 में, फिर दिसंबर 1920 में शिरोमणि अकाली दल बनी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गया सेशन में ये रिजोल्यूशन पास किया 1921 में, और फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, उन्होंने स्टार्ट किया गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट 1920 में, जिसको बोला गया अकाली मूवमेंट। फिर ननकाना साहिब मैस्करे आया था, कहाँ, कब आया था, 1921 में। फिर गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ 1925 में, और एक्ट ने बोला कि जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो कंट्रोल करेंगी सारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारस को, एज वेल एज गुरुद्वारस जो कि सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट में मेंशन है, ठीक है। नाउ कम टू गुरुद्वारस मूवमेंट। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, इसको अकाली मूवमेंट भी बोला जाता है, ये जनरली सिक्स का मूवमेंट था, पंजाब में था 1920 से 1925 तक की। जो भी हमारे गुरुद्वारस हैं वो महंस के, पहले क्या होता था, जो हमारे गुरुद्वारस थे वो महंस के कंट्रोल में रहते थे, तो वो गुरुद्वारा जो है महंस जो सोचते थे कि वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, हम उसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो तो इन्हीं गुरुद्वारस को लिबरेट करने की बात की थी कि उन महंस से हटाया जाए, उन प्रीस्ट से हटाया जाए कि वो जो प्रॉपर्टी कंट्रोल करते हैं गुरुद्वारस की। तो इसलिए ये सिंह सभा अकाली मूवमेंट लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये क्या था, ऑफशूट था सिंह सभा मूवमेंट का। सिंह सभा मूवमेंट 1873 का मूवमेंट था, ये भी पंजाब में ही था। ये इसलिए था कि जो भी हमारा वेस्टर्न कल्चर को जो है हमको क्या करना था, वेस्टर्न जो हमारा उसको था, जो भी गलत जो वेस्टर्न कल्चर था उसको उसके खिलाफ जो किया गया था वो सिंह सभा मूवमेंट था। फिर प्रॉपर्टीज़ जो थी, प्लेस ऑफ वर्शिप जो सिक्स की थी, वो जनरली ट्रांसफ़र की जाती थी और उदासी महंस को दी जाती थी, ब्रिटिशर्स देते थे उनको, ठीक है। तो महंस जो कंसीडर करते थे गुरुद्वारस, उनको एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट करते थे, ठीक है। तो सिक्स क्लेम दैट कि गुरुद्वारस जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक जो है उनको रिमूव कर सकते हैं महंस को, ठीक है। पीपल हु एजिटेटेड अगेंस्ट, अगर पीपल, जो भी पीपल ने एजिटेट किया इसके अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उनको बहुत गवर्नमेंट ने बहुत सप्रेस किया, और उसी के कारण गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट आया, अकाली मूवमेंट आया, जहाँ पे बहुत सारे सिख जो हैं इम्प्रिजन किए गए थे, उनकी डेथ हो गई थी और उनके एट्रोसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। नाउ कम टू सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करती है सारे हिस्टोरिकल सिख गुरुद्वारा जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड चंडीगढ़ में है, ठीक है। प्रेजेंट कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो 140 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 5 हेड मिनिस्टर्स हैं, 15 कोऑप्टेड मेंबर्स हैं, और 20 सीट्स जो है रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट 6 के लिए। टेन्योर जो है इनका कमेटी का 5 ईयर्स होता है, और 3-6 तक जो है पंजाब में आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय SGPC, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अकाली मूवमेंट एंड गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। नाउ कम टू चौरा चौरी इंसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिलीज़ किया है एक पोस्टर स्टैम्प टू मार्क द सेनेटरी ऑफ इवेंट चौरा चौरी इंसिडेंट, ठीक है। 14 फरवरी 1922 को हुआ था। तो नाउ लेट्स कम टू चौरा चौरी इंसिडेंट। तो आपको पता होगा आई होप इसका बैकग्राउंड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था NCM, ठीक है। कब हुआ था, 1920 में हुआ था, 20 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट था, इसलिए ये स्टार्ट किया गया था। नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट का एंड जो था वो चौरा चौरी इंसिडेंट ही था, क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण ही NCM को पूरी तरह
गांधी जी ने बोल दिया था कि अब हम NCM कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। ये हैपन कब हुआ था? ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन चौरा चौरी विलेज गोरखपुर, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ड्यूरिंग दैट मूवमेंट बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे, बहुत सारे NCM के जो प्रोटेस्टर्स थे, वो पुलिस ने उनको उनको मना कर दिया था, उनको बहुत 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 उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जो भी फॉरेन क्लॉथ्स और मीट और लिक्वर्स को बैन करने की बात कर रहे थे, ठीक है। इन रिटर्न 4 फरवरी 1922 को जो भी प्रोटेस्टर्स थे वो जाके पुलिस स्टेशन में, पूरे पुलिस स्टेशन को उन्होंने जला दिया, तो 22 पुलिसमैन जो थे, 23 पुलिसमैन वो ख़त्म हो गए, ठीक है। तो मोर देन 200 प्रोटेस्टर्स जो थे, जो भी इन्होंने जलाया था, तो उनको ट्रायल में रखा गया और कुछ को मार दिया गया, कुछ को कस्टडी में ले लिया गया। तो ये किया था, तो इन रिस्पॉन्स टू वॉयलेंस चोरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में, तो गांधी जी ने बोला कि अब हम NCM कंटिन्यू नहीं करेंगे, यूनिलेटरली उन्होंने NCM को पूरी तरह बंद कर दिया, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में ख़त्म हो गया। गांधी ने जब डिसीजन लिया कॉल्ड ऑफ का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट, ये इसलिए लिया था क्योंकि रेडिकल फोर्सेस का फियर था कि धीरे धीरे रेडिकल फोर्सेस ज़्यादा, गांधी जी का मेन एम था कि नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है, बट ये क्या हुआ था, एक वायलेंस मूवमेंट हो गया था, तो जिसके कारण गांधी जी, आपको पता होगा आई होप, जो वायलेंस क्रिएट करते हैं उनको रेडिकलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर रेडिकल फोर्सेस का ग्रो होने के कारण ही फियर था उनके में कि वो गांधी जी में, इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। और बहुत सारे लोग ने वॉज नॉट सपोर्टेड बाई मैनी एंड सेड एंड जस्टिफेबल, ठीक है। लीडर्स जो थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, वो उनको मन तो नहीं था एक्सेप्ट करने का, बट उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था गांधी इसका कॉल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चौरा चौरी। फिर लाला लाजपत राय ने उसी में एक डिसीजन दिया था गांधी जी के ऊपर, एक स्लोगन दिया था उन्होंने, आर डिफीट इज इन प्रोपोर्शन टू द ग्रेटनेस ऑफ आर लीडर, हमारा डिफीट इसीलिए है क्योंकि आर डिफीट इज इन प्रोपोर्शन टू द ग्रेटनेस ऑफ आर लीडर, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय ने बोला था। फिर कुछ क्रिटिक्स ने क्लेम किया कि मूवमेंट जो है वो कॉल्ड ऑफ इसलिए किया गया था क्योंकि बारदोली सत्याग्रह भी उसी टाइम पे हुआ था, रिजोल्यूशन, ठीक है, 12 फरवरी 1922, ठीक है, जहाँ पे पीजेंट्स को बोला गया था कि आप टैक्सेस को पे करिए और टेनेंट्स को रेंट, टेनेंट्स टू पे रेंट, टेनेंट्स को बोला गया था कि रेंट पे करिए, तो उसके कारण हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो चौरा चौरी इंसिडेंट के कारण ही बंद किया था। फिर डिस्पाइट विड्रॉइंग फ्रॉम द मूवमेंट इन मार्च 1922 की अगर बात की जाए तो गांधी जी को 6 years तक प्रिजन में इम्प्रिजन किया गया था, बट वॉज रिलीज इन फरवरी 1924 में रिलीज कर दिया गया था ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड चौरा चौरी इंसिडेंट। नाउ कम टू पर्सनैलिटीज इन न्यूज़। तो राजा सुलहदेव पर्सनैलिटी ये क्यों न्यूज़ में है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन एक स्टैचू बनाया है राजा सुलहदेव का, ये कहाँ थे, उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। राजा सुलहदेव जो थे वो सेंचुरी रूलर थे, कहाँ के, श्रावस्ती के रूलर थे, UP में जो था। सुलहदेव जो थे हैज़ बीन सेट टू वे राजभर और भर राजपूत बोला जाता था, वो उनको किंग की तरह सेलिब्रेट किया जाता था, जो कि हिंदू जो कल्चर है उसको बचाते थे फ्रॉम द टर्किश इन्वेडर्स, ठीक है। उनको क्रेडिट किया गया था कि बहुत सारे ट्राइब्स को उन्होंने एक साथ रखा था, जैसे थारू हो गए, बंजारा हो गए, उन सबको एक साथ रखा था और वो उनको बचाते थे टर्किश इन्वेडर से। बैटल ऑफ बहराइच की अगर बात की जाए 1034 AD में हुआ था, उन्होंने किसको, गजनवी जनरल गाजी सलर मसूद बोला जाता था और गाजी मियान बोला जाता था, उनको बैटल ऑफ बहराइच में उन्होंने ख़त्म किया था, ठीक है। इन्होंने ही मारा था, राजा सुलहदेव ने। बैटल ऑफ बहराइच जो था वो मेंशन का इसमें है, मसूद में मेंशन है, ठीक है, जिस जो किसने लिखी है, अब्दुल रहमान ने लिखी है। और चित्तौरा लेक जो है हिंदू पिलग्रमेज साइट है, यो भी UP में है और ये यहीं पर फाइट हुई थी, द साइट जो है वो प्लेस है जहाँ पे फाइट हुई थी राजा सुलहदेव और गाजी सलर मसूद की, ठीक है। फिर आते विल चिलरई, ये कौन है, जनरल है, कोच रॉयल डायनेस्टी के आसाम में थे, ठीक है। इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। ये जो थे सन थे किसके, महाराजा विश्व सिंह के सन थे, जो कि फाउंडर थे कोच रूल डायनेस्टी के। आसाम गवर्नमेंट जो है बिर चिरई अवार्ड जो है देती है, किनको देती है, जो भी ब्रेव इंडिविजुअल्स हैं वो ब्रेवरी परफॉर्म करते हैं उनके लिए, और हाइएस्ट ऑनर अवार्ड है, ठीक है। फिर मननथु पद्मनभन, ये कौन है, ये
सोशल रिफॉर्मर है और फ्रीडम फाइटर है कहाँ के, केरला के। इनको रिकग्नाइज किया है एज अ फाइंडर ऑफ नायर सोसाइटी, नायर सर्विस सोसाइटी के फाउंडर हैं ये, ठीक है। और इन्होंने नायर कम्युनिटी को एक साथ ऑर्गेनाइज किया था उनके वेलफेयर के लिए, तो इसलिए उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी के जो हैं ये फाउंडर हैं। इन्होंने वैकोम सत्याग्रह 1924 में हुआ था और गुरु वयूर सत्याग्रह जो हुआ था टेम्पल एंट्री के मूवमेंट जो था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये प्रेसिडेंट बने ट्रावेनकोर देवस वोम बोर्ड के 1950 में। उन्होंने यूनाइट किया कि यूनाइट किया ऑपोजिशंस विमोचना समरम, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट कम्युनिटी मिनिस्ट्री। और उनको अवार्ड भी दिया गया है पद्म भूषण इन 1966। फिर आया वैकुंड स्वामीकल, ठीक है, ये कौन है आया वैकुंड स्वामीकल कौन है, ये भी सोशल थिंकर है, रिफॉर्मर है, जो भी प्रिंसली किंगडम ट्रावेनकोर से बिलोंग करते थे। ये जो है इन्होंने कास्ट मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, रिलीजियस हायरार्की है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने आइडियल वर्शिप को डिस्करेज किया। और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन था, वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वन वर्ल्ड वन गॉड। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का एक स्लोगन जो है हमारे एक और जो हमारे केरला के ही लीडर थे उन्होंने भी दिया था। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वन वर्ल्ड वन गॉड किसने दिया था, आया वैकुंठ स्वामी कल ने दिया था। फिर आते हैं पंडित भीमसेन जोशी, ये कौन है, बर्थ सेनेटरी अभी हुई है सेलिब्रेशन पंडित भीमसेन जोशी की। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, मेंबर हैं किराना घराना के, ठीक है। इनको भारत रत्न मिला है 2008 में और अवार्ड की इनको अवार्ड भी दिया गया है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है, 1975 में दिया गया है। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी इन न्यूज़। नाउ कम टू फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कुंभ मेला है। कुंभ मेला इस बार उत्तराखंड में हरिद्वार में बनाया गया है, उत्तराखंड में होगा, ठीक है। आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स अगर बात की जाए तो कुंभ मेला जो है हर बार होता है, हर साल ही, मतलब हैड अर्लियर बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक ऑस्पिशियस डेट। जनरली ये हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिए हर 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है कुंभ मेला। और अभी पहले हरिद्वार में 2010 में हुआ था, अब इस बार 2022 में हरिद्वार में होगा कुंभ मेला जो है। वो आपको पता होगा कि बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट टाइप के पीपल्स जो हैं हर जगह से, सब जगह से एक जगह इकट्ठा होते हैं ऑन अ सेक्रेट रिवर, जहाँ पे सेक्रेट रिवर रहती है, फॉर एग्जांपल गंगा हो गई, शिप्रा हो गई, वहाँ पे जाके सब कोई इकट्ठा होते हैं, तो कुंभ मेला उसे बोलते हैं, ठीक है। पीपल जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर आते हैं और वहाँ पे नहाते हैं, जो भी हमारी रिवर्स होती हैं वहाँ पे जाके नहाते हैं, अपने कर्म बोलते हैं, पाप को धुलने आए हैं, तो अपने कर्म को, अपने जो पाप हैं उनको धुलते हैं और अपने कर्म को रिकग्नाइज करते हैं। और एलिजिबल फॉर रिब्रेशन ऑफ साइकिल एट बर्थ एंड डेथ, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन जो अगर बात की जाए तो कुंभ मेला जो है चार सिटीज़ में होता है इंडिया के। पहला है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, जिसका इलाहाबाद नाम था, वहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, गंगा यमुना सरस्वती। फिर हरिद्वार जो है उत्तराखंड में है, वहाँ पे गंगा रिवर है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे क्या होता है शिप्रा रिवर पे होता है। और नासिक जो है महाराष्ट्र में है, वहाँ पे गोदावरी रिवर पे होता है, ठीक है। तो आप इसके नाम एंड किस रिवर पे होता है उसको तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। फिर टाइप्स ऑफ कुंभ मेला और इसकी अकरेंस की बात की जाए तो चारों टाइप के जो कुंभ मेला होते हैं वो उत्तर प्रदेश में तो 100% होते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, मतलब प्रयागराज में होता है कुंभ मेला। जो जो एवरी 3 ईयर्स होता है वो चारों प्लेसेस में होता है। अर्ध कुंभ मेला जो होता है वो प्रयागराज और हरिद्वार में होता है एवरी 6 ईयर्स। पूर्ण कुंभ मेला जो है सिर्फ प्रयागराज में होता है 12 ईयर्स में। और महाकुंभ मेला की अगर बात की जाए तो वो भी प्रयागराज बस में होता है 144 ईयर्स में, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कुंभ मेलाज और एक अकरेंस। और कुंभ मेला जो है यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी है। तो आपको पता होगा यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर जो है उसमें 13 अपने इंडिया के 13 जो हैं साइट, 13 जो हैं हेरिटेज कल्चर आते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन से 13 आते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बारी PT 365 में पढ़ाया है, ठीक है। तो दिस इज़ द मैप, ये देख सकते हैं हरिद्वार है, यहाँ पे प्रयागराज, देन उज्जैन एंड देन नासिक, ठीक है। फिर आते हैं 14 अप्रैल, हाउ इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स न्यू ईयर, ठीक है। कौन कौन से सब स्टेट्स के अलग अलग न्यू ईयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए तो रंगोली बिहू, बिहू कहाँ का है, आसाम का डांस है, तो आपको पता होगा रंगोली बिहू ये सेलिब्रेट होता है आसाम में। इसका नाम बोहाग बिहू भी कहा जाता है। ये क्या है, आसाम का न्यू ईयर का बिगनिंग को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर बैसाखी, ऑब्वियसली पता होगा आपको, पंजाब में
आता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है 1699 से, गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने फेस्टिवल ये चूज़ किया था एज अ मूवमेंट टू एस्टेब्लिश खालसा। ठीक है, फिर नवा भरसा, ये क्या है, वेस्ट बंगाल का है, सेलिब्रेट होता है, इसको पोइला बैशाख भी बोलते हैं, ये सेलिब्रेट होता है न्यू ईयर की तरह एज अ बंगाली इन अ बंगाली कैलेंडर। फिर पुथंडू, ये तमिलनाडु का है एज अ न्यू ईयर, और ये मेंशन है किसमें, संगम लिटरेचर में। फिर विशु आते हैं, ये कहाँ का है, केरला का न्यू ईयर है ये फेस्टिवल जो है, इस फेस्टिवल में हम लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं और लॉर्ड कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, फिर महाविश्व संक्रांति, ये उड़ीसा में हर साल सेलिब्रेट होता है और स्पेशल पूजा की जाती है यहाँ पर लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल की। ठीक है, शिग महोत्सव की बात की जाए तो ये कहाँ है, पॉपुलरली नोन एज उसको शिगमो भी बोलते हैं, ये सेलिब्रेट कहाँ होता है, गोवा में सेलिब्रेट होता है ऑन अ फुल मून डे। ठीक है, इट यूजली सेलिब्रेटेड टू वीक्स, होली के दो वीक्स पहले सेलिब्रेट होता है, ये सिग्निफाई क्या करते हैं कि हमारे जो चेंजेस सीजन जो है वो चेंज हो रहे हैं फ्रॉम समर टू विंटर या विंटर टू समर, और पैडी हार्वेस्ट को ये सिग्निफाइज करते हैं। ट्रेडिशनल फोक डांस लाइक घोड़े मोरनी, ठीक है, घोपा एंड फुगड़ी, ये सब फुगड़ी जो है ये सब जो होता है ये गोवा में होता है। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनंसिएशन बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ इट, सो आप इसको थोड़ा सा बेयर करिएगा मेरे साथ। फिर जोर शीतल जो है ये बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको बोलते हैं मैथिली न्यू ईयर, मैथिली न्यू ईयर भी बोला जाता है। इस फेस्टिवल में पीपल जो है अपना अर्थन पिक्चर जो है वाटर जो भी वाटर है वो प्रीस्ट को, प्रीस्ट जो है हमारे टेम्पल्स में उनको डेडिकेट करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू मिसलिनियस, मिसलिनियस में अगर बात की जाए तो डिकिनसोनिया जो है ये क्या है, इंडिया का पहला फॉसिल है जो कि भीमबेटका में पाया गया है, ये अर्थ ओल्डेस्ट एनिमल बोला जाता है इसको, इसको क्या बोला जाता है, अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल, जो कि डेटेड बैक अगर उसको देना अगर उसको बताया जाए तो 570 मिलियन ईयर्स एगो का है, ये एक्सटिंट हो गया था जीनस, और ये जो है एक्सटिंट जीनस है किसका, बेसल एनिमल का। ठीक है, एनिमल जिसका जिनका सिमेट्री जो है रेडिकल रहता है, ये हमको ये इससे हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल लिंक्स था बिटवीन द अर्ली एंड सेमी ये सब हम लिंक कर पाते हैं। ठीक है, ये फाउंड कहाँ होते थे, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ये डिस्कवरी जो है इंडिया को फर्दर असेसमेंट बताए कि बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस में ऑल्सो प्लेस टेक्टोनिक रिकंस्ट्रक्शन में, ये कंफर्म करती है कि गोंडवाना लैंड से ही चीज़ें हुई हैं। फॉसिल्स ऑफ डेनिसोवंस जो हैं वॉज फाउंड इन साइबेरियन केव में फाउंड हुआ है। आई होप भीमबेटका आपको पता होगा, भीमबेटका केव जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं विंध्यास माउंटेन हिल्स में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और ओल्डेस्ट केव पेंटिंग जो है भीमबेटका की वो 12,000 ईयर्स ओल्ड में पाई गई थी। ठीक है, रेड और वाइट कलर में होती है। ठीक है, फिर गांधी प्रीस प्राइस फॉर ईयर 2019 एंड 2020 अलाउंस, 2019 अवार्ड जो किसको दिया गया था, मजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद ऑफ ओमान को दिया गया था, और 2020 का दिया गया है शेख मुजबुर रहमान जो है बांग्लादेश के, उनको दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, एनुअल अवार्ड है, 125th बर्थ एनिवर्सरी कमेमोरेशन ईयर ऑफ महात्मा गांधी के लिए दिया जाता है। ये जो है अवार्ड उन पर्सन को दिया जाता है जो अपनी नेशनैलिटी, हर पर्सन को दिया जाता है भले वो कहीं भी हों, कहीं भी उनका नेशनैलिटी हो, किस कोई भी रेस हो, कोई भी लैंग्वेज, क्रीड और सेक्स, ये जो है 1 करोड़ का अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, फॉर अ प्लेक एंड एक्सक्यूएट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। ठीक है, रिसेंट अवार्डीज जो है एकल अभियान ट्रस्ट है, तो ये जो अवार्ड है वो ट्रस्ट को भी दिया जाता है और इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड जो है अभी राइटर ट्रांसलेटर क्रिटिक प्रोफेसर वेलचिरू नारायण राव को मिला है। ये क्या है, हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है, जो कि कौन अवार्ड करता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड करती है। साहित्य अकेडमी जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, जो कि लिटरेचर को प्रमोट करती है इंडिया में और लैंग्वेजेस को। द ऑनर जो है ये रिजर्वड है इमोर्टल ऑफ लिटरेचर लिमिटेड टू 21 ओनली एट अ गिवन टाइम। ठीक है, सिर्फ 21 अवार्ड दे सकते हैं एट अ गिवन टाइम। साहित्य अकेडमी जो है इंस्टीट्यूटेड अ प्रेमचंद फेलोशिप नेम्ड आफ्टर प्रेमचंद ड्यूरिंग 125th एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी इन 2005। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि सेंटर का रिस्पांस मांगा है कि PIL जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो भी चैलेंज कर रहे हैं उनको देखने के लिए एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है कि कोई भी वर्शिप का जो प्लेस है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, और उसको रिलीजियस
कैरेक्टर जो है उस वर्शिप का मेंटेन रहना चाहिए, इस चीज़ के लिए ये लाया गया। ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर, ठीक है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे कि आप जो है रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करिए, ठीक है। और ये जो है हाउएवर ये जो है डिस्प्यूट जो है अयोध्या से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको ये एक्सक्लूड करता है अपने से, ठीक है। फिर जो ट्राइव ये क्या है, इंडिजीनियस पीपल है, इंडिया बांग्लादेश म्यांमार में पाए जाते हैं। रिसेंटली जो रिनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने सेंटर से पूछा कि आप जो है 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं जो बॉर्डरिंग करते हैं म्यांमार के, वहाँ से पीपल को डिपोर्ट मत करिए जो कि रिफ्यूजी लेते हैं इंडिया में फॉलोइंग मिलिट्री क्यूब, ठीक है। फिर मतुआ कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है अभी विजिट किए हैं बांग्लादेश और उन्होंने वहाँ पर वो मतुआ कम्युनिटी से मिले हैं जो कि मेम्बर्स मतुआ कम्युनिटी मेम्बर्स ऑफ ओरांग कांडी, ठीक है, जो कि गोपालगंज इंडिया में रहते हैं, ठीक है। ये कौन है, दे आर नाम सुद्रास बोलते हैं उन्होंने, नाम सुद्रा शेड्यूल कास्ट ग्रुप हैं जो कि ईस्ट बंगाल में जो भी रहते थे उनके एंसेस्ट्री हैं, ठीक है। मतुआ महासंघ जो है एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है और सेक्ट है जो कि किसने फाउंड किया था, हरिचंद्र ठाकुर ने फाउंड किया था ईस्ट बंगाल में। मतुआ पॉलिटिक्स जो है रिजॉल्व अराउंड एंटी कांग्रेसमैन, ठीक है, उन्होंने अपोज किया था स्वदेशी मूवमेंट को, ऑब्वियसली आपको पता होगा क्योंकि वो मतुआ जो पॉलिटिक्स है उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को अपोज किया था। इन लेटर टाइम्स अगर बात की जाए तो ये बहुत क्लोज दे वर क्लोज टू रूलर बंगाल वैष्णव ट्रेडिशन के क्लोज थे, ठीक है। फिर आते हैं कुतिया खोन्स, ये क्या है, PVTGs हैं जो कि कहाँ पे हैं, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के। ये फैमिलीज जो होती हैं जनरली न्यूक्लियर होती हैं और पेट्रियाकल होती हैं और रॉल्सन फीमेल्स जो हैं वो सेपरेटली लिव रहते हैं एट यूथ डॉर्मिटोरियस, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द एंड ऑफ PT 365 अपडेटेड मटेरियल। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे देख के आपको वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं वो एक बार दोबारा वो टॉपिक पढ़ा दूँगी। थैंक यू सो मच।